राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं बहुत दिनों बाद यहाँ पर व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने हस्बैंड के साथ कभी भी व्लॉग अपना शूट नहीं किया है क्योंकि ये मेरा चैनल था तो मुझे अपना ही बनाना था। पर मैं नई थी तो मैंने ये देखा है कि व्लॉग चैनल हमेशा फैमिली के साथ ही ग्रो कर पाते हैं, या फैमिली के साथ ग्रो नहीं भी करते तो सबका अपना अलग अलग ओपिनियन या बनाने का तरीका रहता है। मैं घर से बाहर भी नहीं जाती हूँ और ना ही थॉट मतलब सेम रहते हैं मेरे हस्बैंड के और मेरे। तो मैंने सोचा ये वियतनाम जा रहे हैं तो थोड़े थोड़े बीच बीच में ना इनको अपने व्लॉग्स में डाल लिया करूँगी। देखो मैं यहाँ कितनी गंदी लग रही हूँ बार बार अपना चेहरा इधर उधर करके, तो कोई बात नहीं, मुझे धीरे धीरे व्लॉग में क्लैरिटी मेरे आ जाएगी बनाते बनाते ही। तो यहाँ पर ना बहुत से लोगों को बड़ी दिक्कत रहती है कि मतलब कि हस्बैंड कहाँ हैं, आपके सारे व्लॉग देख डाले वो दिखे ही नहीं। तो यहाँ पर ना आपको उनको देखने का चांस मिल जाएगा और जो कोई बहुत गलत कमेंट कर देता है वो अब शायद नहीं करेगा, पर हम किसी की मेंटेलिटी चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं इस्कॉन मंदिर गई थी और ये मैं दुपट्टा ऐना ने अपने साथ ले लिया था, मेरा ही उतार लिया था शायद। तो ये जो डिवोटीज़ लोग आए हुए थे ना, इनसे ये साड़ी बंधवा रही थी क्योंकि इसको ना मतलब सजने संवरने का, साड़ी पहनने का, ये सब करने का इसको बहुत शौक है। तो इन लोग ने इनकी साड़ी बांधी तब जाके इसने मेरे को आराम से कथा वगैरह सुनने दी। इस टाइम तो यहाँ पर भजन चल रहा था तभी मैंने कहा, क्योंकि जिस टाइम सत्संग हो रहा है तो उस टाइम तो पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए ना, किसी को भी असुविधा ना हो हमारी वजह से। और ये जगह ना मेरे दिल को बहुत छूती है, यहाँ पर ना इतना प्यारा सत्संग प्रभु जी करते हैं कि मैं कहूँगी जो भी हल्द्वानी में रहता है प्लीज़ मुखानी आए, सत्संग अटेंड करे और अपने आप का जीवन सुख शांतिमय उसका बीते। तो ये व्लॉग में अब आपको वियतनाम के ही वीडियोस दिखाई देंगे, मैं जितना वो कैप्चर कर पाएंगे, जितना वो मुझे वीडियो वियतनाम से भेज पाएंगे उतना उतना मैं अपने व्लॉग में डालती रहूँगी। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अगर आपको व्लॉग समझ में आते हैं, पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। और थोड़ा सा मैं ये भजन सुनाती हूँ आपको। मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना तो मैं अब व्लॉग डालने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो भजन आप सुन रहे थे ना, ये इस फोन में बहुत अच्छे हैं, प्रभु जी वो गाते हैं। और ये देखो इतने सारे कपड़े मुझे अभी तय करने हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ ना कि रोज़ एक व्लॉग डाल दूँ क्योंकि मेरे से लाइव नहीं हो पाता है। मेरे फेस पर पसीना पसीना दिख रहा होगा ना, गर्मी इतनी हो रही है ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं मुँह से बोल रही हूँ तो अच्छे से रिकॉर्ड हो, उसके लिए मैं फ़ैन बंद कर रही हूँ तो एकदम से इतना पसीना आ जा रहा है। तो मैं यहाँ पर ना कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी कि जैसे मैंने कहा ना कि हस्बैंड वियतनाम गए हैं तो कुछ लोग को ना ऐसा लगता है कि भाई हम लोग के पास बहुत पैसा है तो इसलिए वो वियतनाम जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, वो अपनी कंपनी की तरफ से वियतनाम जाते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में ना फ्रॉम स्टार्टिंग बाय बॉर्न ही पैसे का भाव मैंने बहुत देखा है। मैंने कहा था अपनी लाइफ में भी कि एक रुपया तक मेरे को 10th क्लास में एक रुपया तक मेरे पास नहीं रहता था, पाँच का सिक्का अगर किसी दिन मिल जाए तो अपने आप को उस दिन बहुत अच्छा लगता था कि हाँ मुझे 5 का सिक्का मिला है। वैसे कभी नहीं मिला मुझे, ना कपड़े ना खाना, खैर मैं अपना क्या अपना पर्सनल बताऊँ, छोड़ो इस बात को। तो जो मतलब जिन लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग हैं उन लोगों को मैं कहती हूँ कि अपना काम बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना था कि A4 Apple भी जो अपने बच्चे जो क्लास में सिखाते हैं, जो टीचर होते हैं प्राइमरी टीचर, उनकी सैलरी 60-70,000 होती है। ऐसे में वो अब्सेंट रहें, बच्चों को ना पढ़ाएँ तो वो पैसा फलेगा नहीं, आपके बच्चों को किसी न किसी को तो दुख दे जाएगा। मैं चाहती थी कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करूं पर मैं नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम प्रेगनेंसी हो गई थी। और पैसे के मामले में कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि जो भी पैसे के मामले में शॉर्टकट अपनाएगा ना उसका पैसा मतलब मुझे लगता नहीं है कि उसके पास सेफ रहेगा, पैसा कहीं ना कहीं से दुखी देकर जाएगा। मेरे एक फैमिली में एक ने शॉर्टकट अपनाया था, वो भी जेल में है, जाने कब आएगा। सारे में किरकिरी तो हो ही गई ना, पहले उसके इतने बड़े बड़े हॉर्डिंग लगे थे, अब सारे में किरकिरी हो गई। और पैसा मतलब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगी, मैं जो लाइन मैंने लिखकर रखी है कि फेंका हुआ किसी का ना छीना हुआ मिले, फेंका हुआ किसी का ना छीना हुआ मिले, मुझको तो मेरे नसीब का बस लिखा हुआ मिले। यही मैं मतलब सोचती हूँ कि पैसा जो है ना मेरे मन में रहता है ना कि पैसा मेरे को मिल जाए, लेकिन
फिर घूम फिर के मैं वहीं आ जाती हूँ, यार पैसों का क्या करूँगी, घर है, खाने को मिल रहा है, वृंदावन चली जाती हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, जो होगा आगे अपने आप होगा। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद मेरे मन में आ जाता है कि नहीं यार, पैसा हो तो अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँ, इधर उधर जाऊँ, पता नहीं क्या होगा आगे ब्लॉग में। बस मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी मेरी फैमिली है सब मुझे सपोर्ट करे, मेरे से बात करे, मेरा अकेलापन दूर होता है, मुझे जो एंजाइटी होती है वो मेरी बहुत कम होती है। और प्लीज़ सब आप लोग मेरा साथ दें। और हरे कृष्णा।